अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, द मिस्टिक लैंड की वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है हु विल बी द नेक्स्ट पीएम आफ्टर मोदी। मतलब मोदी के बाद कौन सा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मेरे ख्याल से दो ही पार्टीज हैं इंडिया के अंदर जो फेमस हैं। एक तो बीजेपी है जो कि पूरी वर्ल्ड की भी नंबर वन पे आती है, और दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, उन्होंने भी अच्छे काम किए हुए हैं कंट्री के अंदर और उनका भी काफ़ी सपोर्ट है इंडिया के अंदर। तो अभी देखते हैं कि ये किससे रिलेटेड है वीडियो और क्या कहते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर इस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों का भी कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर आप लोग भी चाहते हो किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्शन तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वीडियो में क्या है। से देश का अगला प्रधानमंत्री तय होगा। अभी तक ये माना जा रहा था कि बिना किसी मुसीबत और टकराव के नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद लोगों के मन में अभी सवाल आने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। अगर मोदी चुनाव नहीं भी हारते हैं तो भी ये सवाल लोगों के मन में बार बार आता है कि मोदी के बाद आखिर कौन। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि मोदी के बाद उनकी पार्टी बीजेपी। वैसे मोदी के अलावा कोई और इतने स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जिसको इतना वोट मिलेगा? क्योंकि मोदी ने काफ़ी इंडिया को चेंज किया है, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत डेवलप किया है इकोनॉमी के हिसाब से, बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से काफ़ी इंडिया ग्रो किया है इन 10 सालों में जिनमें मोदी था। अभी नेक्स्ट ईयर दूसरे इन इलेक्शंस हैं। कौन कौन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं और उसके अलावा ओपोजिशन के वो कौन से चेहरे हैं जो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उनकी अच्छा, ये पार्टी पूरे बीजेपी के इंडिया में दावेदार जो के बारे जो में बात करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी जी का। नितिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक गडकरी संघ के गढ़ नागपुर से आने वाले एस भारत एस के आर प्रेजेंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ माना अच्छा जाता है। आर उन्नीस सौ एस पचानवे से एस एस उन्नीस सौ आर मेरे निन्यानवे तक माइंड में। वे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। 1999 में आई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्हें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम सौंपा गया था। नितिन गडकरी भारत के सबसे लंबे समय तक रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। वह 9 साल से इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान नितिन गडकरी ने सड़कों और एक्सप्रेसवेज का खूब जाल बिछा लिया है, जिसके चलते उनकी तारीफ। इंडिया के पास वैसे भी इस चीज़ का भी है कि रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इंडिया ने कम, मतलब कम टाइम में एक दिन के अंदर मेरे ख्याल से 28 किलोमीटर की एक्सप्रेस हाईवे बनाई है। 28 किलोमीटर की समथिंग ऐसे ही है कुछ। ओपोजिशन के नेता भी करते रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस लिस्ट में सबसे पावरफुल नामों में से एक हैं, क्योंकि अमित शाह गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी माने जाते थे। अमित शाह ने 2002 से गुजरात लेकर से 2012 तक नरेंद्र मोदी वाली गुजरात सरकार में भी कई मंत्री पद संभाले हैं। जी हाँ, उन्हें पीएम मोदी के स्ट्रेटेजिस्ट और एक मेहनती सेनापति के रूप में भी देखा जाता है। गुजरात से होने के बावजूद उन्हें 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और इम्पोर्टेंट राज्य का इंचार्ज बनाया गया था, जिसमें उनके नेतृत्व में भाजपा ने रिकॉर्ड 80 लोकसभा सीट में से 73 पर अपना कब्जा किया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी संभाला था। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 5.5 लाख वोटों से गुजरात के गांधीनगर सीट से विजयी हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जनता उन्हें इसलिए भी मोदी का उत्तराधिकारी मानती है क्योंकि उनके गृह मंत्री बनने के बाद ही देश में सबसे अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाना और सीएए और एनआरसी जैसे कानून बनाना। इसलिए इन्हें मोदी के बाद एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है, वो मोदी के बेहद ही पॉपुलर नेताओं में से एक माने जाते हैं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यूपी के मुख्यमंत्री की इमेज हिंदुत्व की होने की वजह से वो जनता के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अच्छा, लॉ लुक एंड भी ऑर्डर को वही है, अच्छे वो से हैंडल हिंदू करने के पंडित लिए वाली लुक योगी है। आदित्यनाथ की चर्चा पूरे देश में होती है। माफिया पर इनके एक्शन लेने के तरीके को जनता काफी अप्रिशिएट भी करती है। इन्हें भी आरएसएस के सबसे चहेते नेताओं में से एक माना जाता है।
योगी आदित्यनाथ के बाद इस लिस्ट में जिस नेता की चर्चा होती है उन्हें भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही बेहद आक्रामक माना जाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भी ऐसे कुछ नेताओं में गिना जा रहा है जिन्हें आने वाले सालों में शायद देश का सबसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। हिमंत बिस्वा सरमा की राजनीति को 2002 के बाद ही नरेंद्र मोदी की राजनीति से कंपेयर किया जा रहा है। वे जिस तेजी और आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर कटाक्ष और आलोचना करते हैं वे कहीं ना कहीं लोगों को 2002 के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की याद दिलाते हैं और शायद उनके पक्ष में एक ऐसी बात भी आ जाती है जो उस देश में अभी तक नहीं हुई है और वो ये है कि भारत के इतिहास में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो वो नाम है जो खुद प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी से है। अब चलिए उन नामों की भी बात करते हैं। अच्छा, ओपोजिशन अभी सिर्फ उस पार्टी के अंदर के लोग बनने के दावेदार हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ओपोजिशन से इस रेस में कौन कौन मजबूत दावेदार है। विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो राहुल गांधी ये बंदा क्योंकि कांग्रेस का है ना, तो कांग्रेस इस टाइम पे एक और स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो कि ओपोजिशन की है। मेरे ख्याल से इस टाइम पे ओपोजिशन मेन ओपोजिशन यही है वहां पर। और इसको अभी कुछ टाइम पहले जेल में भी डाला था और हाँ, जेल में भी इसको बंद किया था। अब मुझे नहीं पता किस वजह से बंद किया था, लेकिन जेल में भी ये बंद हुआ था काफी टाइम पहले की बात है, अभी शायद 5-6 महीने पहले की शायद। राहुल गांधी का कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से राहुल गांधी का हौसला बुलंद है। उनकी पार्टी का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इसके साथ ही कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पीएम मोदी को अभी कोई टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी। कांग्रेस देश में एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो बीजेपी को कम से कम 200 सीटों पर सीधे टक्कर दे सकती है। पार्टी की राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक में सरकार है। वहीं साउथ के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी भी दिक्कत ये है कि वो अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि जहां वो बीजेपी को हर जगह अकेले अपने दम पर टक्कर दे सके। यूपी, बिहार जैसे उनको किसी न किसी दूसरी पार्टी की जरूरत पड़ी। बेहद ही खराब है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा था। इस चुनाव में वह 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। इसके बाद 2009 और 2014 में भी अमेठी में सांसद चुने गए। 2013 में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने और इसके बाद 2017 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वे अपनी खानदानी सीट अमेठी से 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। जी हाँ, हालांकि वो वायनाड सीट से चुनाव जीत गए, लेकिन 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी को फिर से झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। फिलहाल ये सबसे बड़ी अड़चन है। ओपोजिशन पार्टी से इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो बिहार के लंबे समय से सीएम है, हालांकि उनकी पार्टी कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। 8 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी का सहारा लेना पड़ा है। नीतीश कुमार फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे हैं। दोस्तों इन दिनों नीतीश कुमार बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर ओपोजिशन के बाकी लीडर्स को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी वाला काम नीतीश कुमार लोगों को इकट्ठा कर रहा है। नीतीश कुमार की पीएम दावेदारी के पक्ष में जो बातें हैं वो ये हैं कि वे साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी वो बेदाग रहे हैं। उनको करीब 5 दशकों का राजनीतिक और सामाजिक अनुभव भी है। 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार की इमेज सबको साथ लेकर गांव में होती है, इसलिए उनके बगैर सभी जाति धर्म के वोटरों के बीच मानी जाती है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुर्मी समुदाय बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है। अगर नीतीश कुमार विपक्ष का नीचेहरा बनते हैं तो कुर्मी वोटर ही नहीं बल्कि ओबीसी समीकरण भी बिगड़ सकता है। तो इस तरह नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ममता बनर्जी का। टीएमसी नेता ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी ने कभी कम्युनिस्ट पार्टियों के गढ़ को फतह किया था जिस पर वामदल 35 सालों से सत्ता पर काबिज थे। ममता बनर्जी को इसलिए एक फाइटर लेडी के रूप में देखा जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी इस समय लोकसभा में 4थी सबसे बड़ी पार्टी और राज्यसभा में 3वीं सबसे बड़ी पार्टी है। अब इसका मकसद बंगाल के बाहर पंख फैलाने के साथ साथ सेंट्रल में मेन ऑपोजिशन पार्टी बनने का है। टीएमसी 2024 के लोकसभा चुनाव में
ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। हालांकि 2021 में जीत के बाद जब टीएमसी ने नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स और गोवा जैसे राज्यों में चुनाव लड़ा तब ममता बनर्जी की पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी टीएमसी से नेशनल पार्टी का दर्जा भी छीन लिया है। वेस्ट बंगाल में लोकसभा की टोटल 42 सीटें, मतलब ये हर जगह पे अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सब जगह पे किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलने की कंडीशन में वो खुद को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रमोट करें। इस लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण नाम है अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन से राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल की काफी वीडियोस भी आती रहती हैं। तब से ही आम आदमी पार्टी अपने आप को पूरे देश के लिए तैयार कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसे माना जा रहा है कि वो खुद को ओपोजिशन का मेन फेस बनाने में लगे हुए हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक जगह मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे दिए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह दिया। इस बंदे की काफी सारी वीडियोस आती रहती हैं मोदी के अगेंस्ट, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आती हैं वो सारी वीडियोस। इसके अलावा गोवा और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है जिसके कारण हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने आप पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। लेकिन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग नहीं होने की वजह से अरविंद केजरीवाल की राह भी पीएम की कुर्सी तक मुश्किल है। मुश्किल है। वीडियो तो काफी मजे की थी, मतलब काफी इंटरेस्टिंग थी, नॉलेज था। तो अच्छा, मेरे ख्याल से देखो इनकी अपनी जो बीजेपी पार्टी है जो कि मोदी की अभी पार्टी है उसके अंदर से अगर मोदी के अलावा कोई आता है तो उसमें 3-4 लोग ऐसे, मतलब जो बताए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वो भी, कि वो मुल्क के लिए अच्छा काम करेंगे। और उसके अलावा देखने में यही लगता है कि अगर इसके अलावा ओपोजिशन में कोई आ सकता है तो मेरा जो ओपिनियन है वो राहुल गांधी है, क्योंकि उन्हीं की एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है और उसी का एक ज़्यादा नाम भी है और वो पुरानी पार्टी भी है कांग्रेस, तो हो सकता है अगर बने तो उसका प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, और अगर आप लोग कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप वीडियो का लिंक भेज सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।